सफारी की बात हुई थी एस से, तो लॉन्ग टर्म स्टॉक भी एस से ही लेके आया हूं, और वो है सुजलॉन। सुजलॉन पे खरीदारी की राय है, टारगेट आपको रखना है 82 का सुजलॉन पे। विद डिस्क्लेमर, मार्च 2024 से हम बार बार रिविजन ऑफ टारगेट करते आ रहे हैं, तो लास्ट रिविजन मार्च 2024 में किया गया। लार्जेस्ट विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर है, 32% का मार्केट शेयर, 45 गीगावाट की कैपेसिटी, और नंबर्स के हिसाब से रिटर्न ऑन इक्विटी 30% के करीब है। मार्केट क्लाइंट लिस्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज, ONGC, ITC की क्लाइंट है। दूसरे तिमाही के जो आय है 47% से बढ़ते हुए दिखी, कामकाजी मुनाफा 26% और मुनाफा 46% से बढ़ते हुए दिखा, तो नंबर्स के लिहाज से भी अच्छा परफॉर्मेंस आया है। ओवरऑल ऑर्डर बुक 5.1 गीगावाट का है, 1.5 गीगावाट की टर्बाइन की डिलीवरी FY25 में करने वाली है कंपनी, 2 गीगावाट की FY26 में, और स्ट्रॉन्ग प्लेयर है इन द इंडियाज विंड कैपेसिटी में, बहुत बड़ा रोल अच्छा निभा सकती है सुजलॉन। लंबे समय का, एक साल का नजरिया अगर आप रखें, 82 के टारगेट जाने के हासिल होने की उम्मीद है। सेटन साहब, पहली बार ही रिकमेंड किया सुजलॉन या पहले भी किया है आपने? मुझे ऐसा क्यों याद आ रहा है कि पहली बार या दूसरी बार शायद? बिल्कुल सही अनिल जी, आप आप कैसे इतना याद रख लेते, वो तो अभी तक कुछ वो रहस्य पता नहीं चला है। मैं दूसरी बार रेकमेंड कर रहा हूँ, मैंने करीबन 6 महीने पहले सुजलॉन रेकमेंड किया था, आज फिर से दोबारा लेके आया हूँ सुजलॉन 82 के टारगेट के। यस बिल्कुल, मुझे याद नहीं आ रहा, इसका मतलब मैंने सोच लिया कि रिकमेंड नहीं किया होगा या फिर थोड़ा थोड़ा ऐसा याद आया मुझे शायद एक बार किया, इसलिए मैंने पूछा एक बार किया है तो या फिर नहीं किया। चलिए तो सुजलॉन, अच्छा बंसल जी भी कुछ